नमस्कार आम ओडिशा को आपण मानको स्वागत करुछि मु बंदिता खबर को आसीबा बालेश्वर खंतापड़ा थाना बरणसिंह गांव रे घटतिबा हत्याकांडर पर्दाफाश परक्या प्रीति जोगु प्रेमिक सह मिसी स्वामी को हत्या करिछि स्त्री बरणसिंह गांव रो जयदेव प्रधान को हत्या अभिजोग रे स्त्री तिलोत्तमा प्रधान एवं सरगढ़ छकर हावड़ा बेहरा नामक जड़े पान दोकानी को पुलिस गिरफ्त करिछि। गत 19 तारीख राति रे जयदेव सोइथिया बेले तांको केही दुर्वृत्त कोराहाडी रे आक्रमण करथिले। जयदेव कटक डाक्तरखाना चिकित्साधीन थिबा बेले गतकालि तांकर मृत्यु होइ जाइछि। ए संपर्क में स्त्री तिलोत्तमा थाना लिखित भाव अभियोग करते अभियोग को भित्ति करी पुलिस संधानी कुकुर साइंटिफिक टीम सह तदंत आरंभ कर घटना दिन राति जयदेव सोइथिबा बेले प्रेमिक हावड़ा बेहरा सह मिसी तिलोत्तमा जयदेव को आक्रमण करथिबा पुलिस स्पष्ट करिछि। इनके अधिक आलोचना पई हम प्रतिनिधि राजकिशोर बेहरा अछंती फोन लाइन ने। राजकिशोर पूरा घटनाक्रम कोन थिला देखंतु बेटा ता जणा पड़छि जे वर्तमान एमिते को घटना जे प्रेमिक सहित मिसि स्त्री ता स्वामी को हत्या करबा एई वयस रे एबोल घटना घटिबा तो निश्चित भाबे एक व्यतिक्रम बोली कह जाउछि। लोक माने निश्चित भाबे आश्चर्य प्रकट करुछन्ति जे एई वयस रे जणा स्त्री लोक तार जणा प्रेमिक सहित मिसि ता स्वामी को हत्या करबा भलिया घटना घटिला एवं पुलिस तार पर्दाफाश करला त एटा होछि बड़ कथा जे गत 19 तारिख राति रे जते बेले से तांको स्त्री को जते आमे कथा होतुलु ताको कहिबा अनुसार जे जयदेव एवं तांको पुओ छे घरे गुटिए घरे सोइतिले एवं तांको स्त्री जे तिलोत्तमा से आउ गुटिए घरे सोइतिले तो एही समय रात्रि तो सोइचंते विलंबित रात्रि रे केही जन आसी तांको हत्या करछे। हत्या करिया परे हत्या करिया परे उद्यम करिछि एवं जेतबे पुओर चित्कार सुनिछंते तिलोत्तमा सेतबे से उठिकरि आसिछंते आसिकरि देखला बेलकु तांको स्वामी को के निर्मम भावे आक्रमण करछि मुंड को एवं से कांदी कांदी एवं विषय रे कहिथिले एवं ए विषय रे से सकाळे मध्ये थाना को अभियोग करते लिखित अभियोग करते लिखित अभियोग को भित्ति करी पुलिस मकदमा रुजु करथिले एवं तदंत मध्ये आरंभ करथिले। गतकाली साइंटिफिक टीम संधाने कुकुर सहित जाइकिरी पहुंची तदंत आरंभ करथिले पुलिस तदंत परे जतबे विभिन्न सामग्री जबत करा गला एवं जो कुराडी रे हणा जाइथिला ताकु ता मध्ये जबत करा जाइथिला तो ये जबत करा परे टिके पुलिस को कहीं संदेह आसाला एथे किए जन निजर लोक संपृक्त रही जो एत बड़ घटना घटी से क्षय को लेकिन जो पुलिस तदंत करते जना पड़ा जे शेरगढ़ में शेरगढ़ छक जड़ा हावड़ा बेहरा बोली जो पान दुकानी एवं से जो मृतकों स्त्री सहित किसी गोटे इलिगल रिलेसन रहा संदेह आसाला नहीं कि तदंत प्रक्रिया आगक बढ़ाई तापर जो पचरा उचरा कर स्वीकार कर अभियुक्त मैंने हाँ से मैंने जयदेव को हत्या करछन्ति तो ये घटना जना पड़िया पर स्थानीय अंचल चांचल्य खाई जाए गोटे कथा आप चित्र देखि पारे ये जो स्त्री लोक जनक एमती भाव घटना घटेबा एत बड़ पुओटे अच्छी एमती घटना घटे निश्चित भाव एक आश्चर्य प्रकट करुच्चे हत्याकांड घटी जाइए और गत काली जयदेव को मृत्यु होगा पर पुलिस तर तदन प्रक्रिया को त्वरावित करा आज ताकि गिरफ्त कराई आज दिन गोटा केवल एसपी बालेश्वर एसपी एक प्रेस मीट रखी से पूरा घटना खुलासा करेंगे। निश्चित भाव में दिन गोटाए बालेश्वर एसपी प्रेस मीट डाकी प्रेस मीट रे पूरा घटना खुलासा करेंगे किंतु यह घटनाक्रम पर स्थानीय अंचल चांचल्य खेली जाइए अभियुक्त को वर्तमान धरवे सफल हो पुलिस। धन्यवाद राजकिशोर सविशेष आलोचना। कटक सदर थाना पुलिस पुणे एनकाउंटर दुर्दांत अपराधी बसीर खान आहत हो बसीर डाहाण गोड़े गुड़ बाजि बेले एसीबी में भर्ती कर ब्राह्मणी छरिल अंचल गतकाल रातिर एनकाउंटर कर पुलिस गिरफ करने को बेले पुलिस उपरक दुईट बोमा फिंगिता बसीर एनकाउंटर पर बसीर तीनट बोमा और मोबाइल जबत होशाई कटक सतरटी एनकाउंटर कला पुलिस। जेल में 46 निर्दोष शिशु 45 कैदी मां ओडिशार विभिन्न जेल में रहुछन्ति 46 निर्दोष जो शिशु जेल में कौन सुविधा उपलब्ध करज आड़ घटना को गुरुतर सह नहीं जातीय मानवाधिकार कमिशन बा एनएचआरसी एने सबू राज्य और केन्द्रशासित अंचल को एनएचआरसी पक्ष नोटिस जारी होई छी एपरिक जेल में शिशु कौन सब सुविधा करिपोर्ट तलब कर कमिशन राज्य में 9 जन दोषी और 36 विचाराधीन मां रही 46 शिशु जो बयस एक मस 6 वर्ष 46 शिशु 25 झील और 21 पुआ
ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପ୍ରଦାନ ଶିକ୍ଷକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କୁଆଁରମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲବେରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରାମଲାଲ ତନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅଫିସରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏକକାଳୀନ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ବୀରମିତ୍ରପୁର ବନମୁଣ୍ଡାରେ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦମଦାପଡ଼ାରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏବଂ ଜଲଙ୍ଗବେରା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବି ରେଡ୍ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ଦିଲୀପ କୁମାର କର। ଏନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ରାଉରକେଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବନୀ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ। ଅବନୀ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଗୁରୁଙ୍କ ଘର ଉପରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ରେଡ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ଏବଂ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛି? ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁଆରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଲଙ୍ଗବିରା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଆଜି ଚାରୋଟି ଟିମ୍ ଏକ ସମୟରେ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଡିଏସ୍ପି ରାଉରକେଲାର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ଚଢ଼ଉ ଥିଲା, ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ କ'ଣ ମିଳିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ମତାମତ ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଠାବ କରାଗଲାଣି ସମ୍ପତ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ମହଲା କୋଠା ଦୁଇଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ଯୋଉ କୋଠାରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠା ତାଙ୍କର ଏଠି ଅଛି, ତଳେ ସପ୍ ରୁମ୍ ମାନେ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଏବଂ ଉପର ଘର ଏବେ ଜଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ଖାଲି ଅଛି, କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଦାମଦାପଡ଼ାରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଯୋଉଠି ସେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଜଲଙ୍ଗବିରା ହାଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୟୁପି ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି, ସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ ଆକଳନ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆମର ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱିଙ୍ଗ, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମାନେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆନୁମାନିକ ତଥାପି ଦୁଇଟା କୋଠା 60 ଲକ୍ଷ ଏବଭ୍ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆସବାବପତ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି, ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଅଛି, ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ଏବଂ କିଛି ଗୋଲ୍ଡ ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିପାରିନୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଟିନି ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ସ୍କୁଟିନି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ଭେରିଫାଏ କଲା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କେତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି ପଇସା ତାଙ୍କର, ସେଟା ବି ଆମେ କହିବୁ। ଏଇଟା ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ଯୋଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାର୍ଜ ରହୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଯୋଉ ଚାଉଳ ଫଳ ହେରଫେର ଏଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଆକଳନ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମଞ୍ଜିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ଆମ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଟିକେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଏଇଟା ସାର୍ ଲୋକଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାହା ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ନେଇକି କରିଛି, ମୋ ପାସ୍ବୁକ୍ ସହ କରିବ, GPF 5-7 ଥର ଡ୍ର କରିଛି, ଦୋକାନ ଘର ଯୋଉଟା କରିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇକି କରିଛି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ଲୋନ୍ ନେଇକି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇକି ସାର୍ କରିଛି। SBI କୁଆରମୁଣ୍ଡା 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଘର ଲୋନ୍, ଆଉ GPF ବାହାର କରିଥିଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି, ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିଛି ପଇସା। ଏଇ ଯାହା ଅଛି ଏତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଅଛି, ଗାଡି ଟିକେ, ଦୁଇଟା ଗାଡି ଅଛି, ଘର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସାର୍ 97 ଚାକିରି କରୁଛି। ବନ୍ଦିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ବାହାରିବ ସେ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ ଜାରି ରହିଛି, ଆକଳନ ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ବନ୍ଦିତା ବିଲକୁଲ, ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ହିଁ କେତେ ପରିମାଣର ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ହୋଇଛି ସେ ନେଇକି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ହାତରେ ଲାଗିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅବନୀ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେବାୟତଙ୍କ ମାଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ଭିତର କାଠରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପଭି ନେଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏସ୍ପି ନୀତି ପ୍ରଶାସକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହ ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।
तबे नीति समय रे सीसीटीवी को बंद करा जियो बोली निष्पत्ति होई छि। अनेक समय रे भीतर काठ निकट रे अघटन घटुथिबार सीसीटीवी लगाई घटनार अनुध्यान करा जिवो। पूर्वर एठारे सीसीटीवी थिबा बेले जगमोहन मरामति जको सीसीटीवी को कढा जाइथिला। अन्यपटे सेवायतक विश्रुंखलित आचरण को नै कार्यानुष्ठान नै छि श्रीमंदिर प्रशासन। श्रीमंदिर आईन 21 ख धारा रे दुई जन सेवायतक सेवार बहिष्कृत करा जाय छि। से दुई जन सेवायत होछन्ति मदन मोहन खुंटिया एवं सोमनाथ मेकअप। अधिक आलोचना सीधासख जी आम श्रीक्षेत्र प्रतिनिधि अक्षय मिश्र पाखक अक्षय बारंबार एमती विश्रृंखलित आचरण देखा मिली सेवायतर जहां रोक लगे वर्तमान मंदिर प्रशासन जो निष्पत्ति नहीं सर्वसाधारण केमी कौन ग्रहण कर देखो निश्चित पक्षे कह सेवायत पक्ष जो भक्त को माड़ मराई से घटना को सबुआड़े निंदा प्रकट कराला घटना को मध्य गुरुत्व नहीं श्रीमंदिर प्रशासन गत काली एने एक गुरुत्वपूर्ण बैठक होता है। बैठक में गोटे आलोचना कराला जेहेतु श्रीमंदिर भितर सब जगह सीसीटीवी व्यवस्था अच्छी कितु भितर काट पाखे जेहेतु महाप्रभुंर अनेक नीति रही है सेठ गर्भगृह को दर्शन सुविधा करा तेणु से जगह सीसीटीवी रे महाप्रभु नीतिकांति व्याघात है सीसीटीवी कढ़ाई है कितु एवं से सीसीटीवी लगे श्रीमंदिर प्रशासन निष्पत्ति कारण भितर काट पाखे जो भाव में रविवार दिन जनक भक्त को सेवायत माड़ मारी लहलुआन कले तेणु बाध्य श्रीमंदिर प्रशासन से सीसीटीवी लगे व्यवस्था करती कारण पूर्व जगमर मरामती सकाशे बाहर काट पाखर दर्शन कराला भक्त मैंने भितर काट पाक जाऊन तेणु बाहर काट पाखे सीसीटीवी व्यवस्था थी जेहतु भक्त मैंने भितर काट पाक जाऊँ तेणु सीसीटीवी व्यवस्था निहाती आवश्यक और जो सीसीटीवी लग जा गर्भगृह को नुहे बेरण द्वार पट को लग जा जो पटे भक्त मैंने भितर काट दर्शन कर बेरण द्वार प्रस्थान करते जगह सीसीटीवी लग जा अंपटे गत काल जो गुरुत्वपूर्ण बैठक होता पुरी एसपी श्रीमंदिर नीति प्रशासक प्रदीप दास और श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक प्रदीप जेना उपस्थित थे और सेने निष्पत्ति में पहुंचे कि से जगह सीसीटीवी रखाई किभली भक्त श्रृंखल दर्शन हो सेवायतों व्यवहार किभली रोक तार सब से मनिटरी कर अंपटे जो सेवायत मैंने माड़ मारे से नहीं मैं सिंहद्वार थाना भक्त चेतन गणपति आमलकर एक एतला एतलाक भित्तिक सिंहद्वार थाना एक केस कराई केस अनुसार प्राय सतट दफा लग जो थे कि 341 323 294 354 384 379 और 34 आईपीसी में मामला रुजू होजावत पुलिस दुईज सेवायत जो अच्छे जहाँ को श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष निलंबित कर सेवार उच्छेद करेंगे मणिकनिका साईर सोमनाथ मेकअप और शीतलपिंडा साईर मदन खुंटिया दुईज नाँ एपटे एतला अच्छी पुलिस से घन घन खोजुच्च से फेरार अच्छा अंपटे श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष विधिवत भाव में नोटिस जारी कराई श्रीमंदिर आईन अनुसार 21 ख धारा मानने श्रीमंदिर भितर विशृंखलित आचरण को नहीं सेवायतों पर कार्यानुषान जहाँ कि 21 ख धारा कौच से अनुसार सेवार कि बारंबार बैठक करा घटनार किसी गोटे स्थायी समाधान वर्तमान पर्यंत हो श्रीमंदिर प्रशासकों तरफ किसी निर्दिष्ट सूचना मिली कि सेवायतों सह बसी हो कि कौन आलोचना माध्यम घटनार गोटे स्थायी समाधान केमती देखु गोटे पटे सेवायतों भितर श्रृंखलित आचार व्यवहार में परिवर्तन करने सेवायतों को प्रति वर्ष अनुभव जात्रा पठा जाऊँगी जुव सेवायत मैंने जाने विभिन्न तीर्थस्थल बुलिक आसु बास्तवपक्षे एत पैसा खर्च कराँ व्यवहार परिवर्तन करवाई किंतु बास्तवपक्षे सब बेले से किसी सेवायतों जो सेवायत बदनाम होती श्रीमंदिर बदनाम होेणु चलित बर्ष यही घटना पर जहाँ घटना घटीगला श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक स्पष्ट भाव कहते कि आगको यहाँ कौन सी क्षमणीय करापर दृढ़ पदक्षेप निजी कारण श्रीमंदिर को जो भक्त आसे गोटे सुचिंतन वातावरण नहीं कि फेरुच्च कितु एभली माड़ दवा द्वारा भक्त महल में असुस्थ देखा मिलूँ तेणु तहार किभली पुनरावृत्ति नहब एने जो छत्तीसगढ़ निजोग आगामी दिन में बस से बैठक में यह एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग होने परिचालना कमिटी एक स्वतंत्र प्रस्ताव आसो कि यही मैंने सेवायत विशृंखलित आचरण करमान कौन कार्यानुषान विहित निपर तेणु यहाँ निश्चित पक्षे ये घटना पर सीसीटीवी लगाइबा को निष्पत्ति निया जाय छी सेवायत मानंकर विश्रृंखलित आचरण को रोक लगाइबा पई एवं अन्य पटे दुई जण सेवायतों को मध्य कार्यरु निलंबन करा जाय छी बहिष्कार करा जाय छी सेमान को तबे देखिबा को बाकी रहला वर्तमान परवर्ती बैठक जहां छतिसा नियोगर हेबार अछि सेथिरे कोन आलोचना करा जाउ छी एवं कोन निष्कर्ष बाहरु छी धन्यवाद अक्षय सबसे आलोचना पई।